कराची के साहिल से तूफान का खतरा तो टल गया, लेकिन सूरज का पारा हाई हो गया। सूरज ने शहरियों को दिन में तारे दिखा दिए। सवाल से रिपोर्ट मुलायजा कीजिए। कराची के साहिल से समंदरी तूफान ताउते का खतरा तो टल गया, लेकिन उसके असरात कम ना हो सके। आज भी कराची में सूरज का पारा हाई रहा, जिसने शहरियों को दिन में ही तारे दिखा दिए। कराची के साहिल से समंदरी तूफान ताउते ने रुख तो मोड़ लिया, लेकिन उसके असरात शहर कायद में कम ना हुए। तहम आज भी शहर में शदीद गर्मी रही और देखते ही देखते पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावुज कर गया। माहिरीन और मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक ये तमाम समंदरी तूफान ताउते के असरात हैं। कल भी शहर में पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। गर्मी से बेहाल शहरी कहते हैं कि गर्द आलूद और गर्म हवाओं के चलने से गर्मी की शिद्दत और धूप की तपिश ज्यादा महसूस हो रही है। आज गर्मी बहुत ज्यादा है और लोगों की तबीयत बहुत खराब हो रही है, जैसे कि बुखार वगैरह। भाई गर्मी है, बिल्कुल गर्मी है, क्यों नहीं है गर्मी? 3 दिन भी गर्मी के ही आएंगे ये। भाई तबीयतें खराब हो रही है, गर्मी है, जाहिर बात है। तो लोगों को चाहिए कि अपने घरों में ही बैठें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा ही रखें तो बेहतर है, इनके लिए ज़्यादा फायदेमंद। भाई कल के मुकाबले में आज कम है, कल का टेम्परेचर ज़्यादा था, आज शिद्दत कम है कल के मुकाबले। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदरी तूफान कराची के साहिल से 750 किलोमीटर की दूरी पर है। तूफान के मजीद जोर पकड़ने से कराची में बारिश के इम्कानात भी खत्म हो गए हैं। बुध से गर्मी में कमी के इम्कानात हैं। कैमरामैन साकिब अली के साथ तैमूर शकील, C110 न्यूज कराची। C110 न्यूज, खबर की असल खबर।